हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री ज्वेलरी हाउस पे। तो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉरल्स रिंग्स के डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, ये जो रिंग्स हैं ये मैन, वुमेन, गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी पहन सकता है। ये एक राशि का नवरत्न में आता है, इसको कोरल बोलते हैं और हिंदी में इसको मूंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा रिंग्स के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कई बार क्या होता है कि हमको बोल देते हैं कि हाँ आपने स्टोन पहना है, पर क्या है उसके जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी बेकार सी होती है। तो अब हमको लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं मिलते कि कौन सा वियर करें। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये सभी डिज़ाइन आपके पास लेके आया था। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे थोड़े दिन पहले ही कमेंट आया था कि आप कोरल की रिंग के डिज़ाइन दिखाएं। तो फ्रेंड्स, अगर वो देख रहे हैं तो मुझे लाइक करके बताएं कि आपको कौन सी रिंग पसंद आई है। अगर आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ज्वेलर्स पास के ज्वेलर से बनवा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए कि कौन सी रिंग कितने वेट की बनेगी और उसका क्या प्राइस होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस रिंग का वेट और प्राइस बताऊंगा। और फ्रेंड, ये जो कॉरल है इसके बीच में मूंगा, तो वो उसके प्राइस अलग होता है, उसके कोई इसके बीच में अटैच नहीं होता क्योंकि वो रत्ती के हिसाब से आता है। ये जो पहना जाता है ये 5 से लेकर 10 रत्ती तक पहना जाता है। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये कैप्सूल शेप और राउंड शेप में है। इसमें मूंगे की एक क्वालिटी और आती है जिसको ट्राइंगल शेप बोलते हैं, वो वाली अभी मैं लेके नहीं आया डिज़ाइन। ये सिर्फ राउंड और कैप्सूल शेप के कॉरल और यानी कि मूंगे के डिज़ाइन है। तो आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे पसंद आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कौन सी रिंग आपको सबसे सुंदर लगे और कौन सी रिंग आप बनाना चाहेंगे वो मुझे जरूर बताएं। और आपका मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी कोई डिज़ाइन की रिंग्स बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए बहुत जल्दी वो डिज़ाइन लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।